हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 9 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम इसकी 3 यूनिट टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस की अपलोड कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर एक आइकन जो बटन है आप उस पर भी क्लिक करके वहाँ प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। तो आइए ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम कौन कौन सा कंटेंट कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, नेचर। फ्रेंड, नेचर क्या होता है, उसके उसकी प्रकृति कैसी है। स्कोप क्या होता है कि जैसे यहाँ इकोनॉमिक की बात हो रही है तो इकोनॉमिक्स अपने अंदर कितना सब्जेक्ट मैटर या कौन कौन से टॉपिक है जो कवर करता है। थिंग्स कम्स अंडर द इकोनॉमिक्स इज नोन एज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद मेथड्स, आप कौन कौन से यूज़ कर रहे हो इकोनॉमिक्स को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे मेथड्स और रिसोर्सेज, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कौन कौन से हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसी एक्टिविटीज़ जो भी एक ह्यूमन बींग करता है जिसमें किसी टाइप का एक्सचेंज हो हमारे सर्वाइवल के लिए, और ये एक्सचेंज कई बार तो मनी इन्वॉल्व करता है, कई बार नहीं करता। तो देखिए, आप सामान कुछ भी खरीदने जाते हैं मार्केट से तो आप उसके बदले पैसे देते हैं, करेंसी देते हैं या फिर कोइंस देते हैं। ऐसी हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसके बदले कुछ ना कुछ गिव एंड टेक का जो सिस्टम है वो चलता ही है। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ आवर सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, जो इन्वॉल्व करता है एक वेराइटी ऑफ दिस एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स देखिए जो वर्ड है वो ग्रीक के ओइकोनोमिया से निकला है। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब होता है मैनेज। तो हाउस होल्ड में कैसे रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस यूनिट के, आपको टर्म का पता चलेगा इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसके बाद कैसे इकोनॉमिक्स जो है एंगेज होते हैं अपने प्रोफेशन में, द मेथड ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स इन स्कूल, डिफरेंट मेथड्स रिक्वायर्ड टू टीच इकोनॉमिक्स, और इनमरेट करना है इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज के। तो अब इसके नेचर, स्कोप और मेथड की बात है। यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंस बोला जाता है। इकोनॉमिक्स जो है फॉल्स करता है इन द कैटेगरी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। काफ़ी सारी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्सेप्टेड हो, क्योंकि चेंज होती रहती है। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई अपने हिसाब से समझना चाहता है, अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी डिमांड्स के हिसाब से। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज सिस्टम प्रीवेलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सबसे यंगेस्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सिर्फ 2.5 सेंचुरी एगो ही आया है। तो काफ़ी सारी देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है। सबसे पहले ये वाली, द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। वेरी इजी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक ऐसी ब्रांच है नॉलेज की जो कंसर्न है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन से, उसके कंजम्पशन से और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ से। उसके बाद दे रखे इकोनॉमिक जो है वो स्टडी है हाउ पीपल चूज टू यूज़ रिसोर्सेज, कैसे जो लोग हैं वो रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं या कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द पीपल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उसके बाद देखिए एक और दी हुई है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एंड्स एंड स्कार्स, मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक एक स्टडी है हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई में बहुत ही कम है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए, इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जिसका मतलब क्या है, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए सोसाइटी, कैसे कोई इंसान जो है सोसाइटी में बिहेव करता है, ये भी इस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। 4 मेजर एरियाज हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक टूल है जो अप्लाई होता है इन द वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशन बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ग्रुप है सोशल साइंटिस्ट का जो स्टडी करते हैं वेराइटी ऑफ इश्यूज जो भी हमारी सोसाइटी में हो रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के वो क्या होते हैं। जो फर्स्ट है देखिए वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये डील करता है विद द इंडिविजुअल्स यूनिट, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैक्रो होता है जो इंडिविजुअल के बिहेव से ना डील कर एक मास और होल यूनिट से डील करता है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है फिस्कल इकोनॉमिक्स। फ्रेंड, फिस्कल क्या होता है, सो फिस्कल इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशन, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एग्रीगेट डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होती है, जिसमें हम फोकस करते हैं फॉर इंप्रूविंग द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, ये डील करता है विद द ट्रेड बिटवीन कंट्री, तो इसे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक और है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसमें स्टडी की जाती है प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स के बारे में, और एक होता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो डील करता है विद ह्यूमन बिहेवियर। तो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ जो थे वो स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ जनरेटिंग दीज वेल्थ ऑफ नेशन माने जाते थे, जो एक स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है।
फ्रेंड्स, इकोनॉमिक काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऑफ मैटर से डील करता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया, वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी, ये सब। तो ये जो है इकोनॉमिक्स, वो पहले इज एज एन आर्ट समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, अब ये साइंस के अंडर आने लगा है, तो इसे आर्ट एंड साइंस बोथ कहा जाने लगा है। आर्ट इसलिए था क्योंकि ये सॉल्यूशन देता था सारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की, तो ये भी एक तरह से कला ही हुई। उसके बाद फ्रेंड्स, ये साइंस इसलिए हो चुका है क्योंकि देखिए, साइंस का होने के लिए एक सिस्टमैटिक स्टडी ज़रूरी होती है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स में, तो ये इसको सिस्टमैटिक स्टडी अप्रूवल देते हैं, इसलिए इसे साइंस की फॉर्म में रखा जाता है। और दूसरा रोल साइंस होने के लिए होता है कि कॉरिलेशन करता है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, जबकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी यही सीन है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड पे या सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ता ही है, तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाला रूल इंप्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, साइंस में ये होता है कि लॉ जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स में ऐसा ही है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो पूरी दुनिया में ही एक जैसा है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट, साइंस फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता है, जबकि इकोनॉमिक्स में भी हम बता सकते हैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। साइंस का एक स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है, जबकि इकोनॉमिक्स में भी HDI यानी मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो काफ़ी अच्छा एक मेजरमेंट स्केल माना जाता है। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ थे जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माने जाते थे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वो है व्हाट इकोनॉमिक्स डू एंड हाउ। तो देखिए, इकोनॉमिक्स वही है जो इकोनॉमिस्ट करते हैं। वर्किंग एज एन इकोनॉमिक्स रिक्वायर करता है सर्टेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी जो है वो हाइपोथेटिकल स्पेस जो है वो क्रिएट करती है, जिसमें काम किया जाता है टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो हमें प्रोवाइड करता है विद द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इकोनॉमिक्स जो है थ्योरी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि हम जो भी टेंटेटिव स्टेटमेंट्स बना रहे हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम्स और इकोनॉमिक इवेंट्स, तो वो हमें ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि कैसे एक ग्रुप जो है रिएक्ट करता है अंडर ए गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। उसके बाद फ्रेंड्स, ये दो पॉपुलर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हर एक इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो किसी ना किसी लॉजिक पर और स्पेसिफिक फॉर्म पर बेस्ड होती है। जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉन्सेप्ट और एजम्पशन को मिलकर बनता है। अगर लर्निंग इकोनॉमिक्स रिक्वायर करता है क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें कॉन्सेप्ट और एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज आ जाते हैं। रीसेंट टाइम में जो है इकोनॉमिक्स जो है वो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिक का भी यूज़ करता है, ताकि वो काफ़ी सारे डेवलप कर सके अपने मॉडल्स। देखिए, नॉट ऑल एजम्पशंस आर रियलिस्टिक इन इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं होता कि सारी एजम्पशन ही रियलिस्टिक हो, लेकिन फिर भी मॉडल्स को उन्हीं एजम्पशन पे ही बनाया जाता है, तो ये काफ़ी इंटू हो जाता है द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एक तरह से डीप अंडरस्टैंडिंग होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, जबकि हमें सबको पता है कि एक परफेक्टली जो कॉम्पिटिशन मार्केट जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन उसी के बेसिस पर हम कंपेयर कर सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं अदर मार्केट स्ट्रक्चर को, जैसे मोनोपोली है, ऑलिजोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है कॉम्पिटिशन, ये सब जो है इन टर्म्स ऑफ प्राइस और आउटपुट एफिशेंटली भी हैं बेस्ड करते हैं। देखिए, टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो इकोनॉमिक्स ही हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में, इसका जो कॉम्प्लेक्स नेचर है। वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पे डिमांड है, डिमांड का मतलब क्या होता है, किसी से कुछ पूछना, लेकिन इकोनॉमिक्स की फॉर्म में इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये एक कंज्यूमर की डिज़ायर, उसकी विलिंगनेस टू पे ए प्राइस फॉर स्पेसिफिक गुड और सर्विस हमें बताता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स देखिए जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ एक अलाउ कर सकते हैं फॉर अ लार्ज एलिमेंट्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हम देखिए सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स जो है बिहेव करता है मोस्टली इन एन ऑर्डरली मैनर, तो इकोनॉमिक्स जो है वो यूज़ करते हैं इस ऑर्डरली बिहेवियर को टू जनरलाइज एंड प्रेडिक्ट मैनी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड आउटकम्स। जबकि अगला देखा जाए तो लर्निंग इकोनॉमिक्स रिक्वायर करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम इकोनॉमिक फेनोमेना, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर दिस, इकोनॉमिस्ट जो है वो गैदर करते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को। सिंस पीपल का जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो फ्रीक्वेंटली मैनिफेस्ट होता रहता है इट सेल्फ इन अ मेजरेबल वे, तो जो बिहेवियर वो है कॉडेड होता है और टेबलेटेड होता है, ये रिजल्ट करते हैं एक फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, और लास्ट सेट्स ऑफ जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको तब इंटरप्रेट किया जाता है, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड द डायनामिक ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक फिनोमिनन ऑफ द ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड और एन एंटरप्राइज, बट ऑल्सो ले द फाउंडेशन फॉर लर्निंग आउटकम्स। तो हम सबको पता है फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें, जबकि एक चीज़ और देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, वी नो दैट सेविंग इज़ गुड फॉर अस, हम जानते हैं सेविंग हमारे लिए अच्छी है, लेकिन ये कंट्री के लिए एज अ होल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हर कोई लोग बचाने लगेंगे तो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी गुड्स और सर्विसेज की, और जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं करेगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन बोला जाता है। जबकि अगली चीज़ देखी जाए तो व्हाट इज़ गुड फॉर एन इंडिविजुअल नीड नॉट बी गुड फॉर द होल इकोनॉमी, तो ये ज़रूरी है कि अगर एक चीज़ हमारे लिए अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी हो। सिमिलरली हमें काफ़ी केयरफुल होना चाहिए जनरलाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन एन इंडिविजुअल स्पेंड मोर देन व्हाट शी अर्न, जब एक आदमी एक इंडिविजुअल अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करने लगता है तो शी में गो बैंकक्रप्ट, तो वो बैंकक्रप्ट हो सकता है। बैंकक्रप्ट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स नॉट हैविंग मनी टू पे डेब्ट्स, एक ऐसे इंसान के पास जिसके पास मनी ना हो और उसे कोई डेब्ट पे करना हो,
तो दिस डजेंट मीन दैट इफ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स रेवेन्यू इट नीड नॉट लीड टू लॉस। तो ऐसा जरूर नहीं है अगर गवर्नमेंट भी ज़्यादा स्पेंड कर रही हो तो वो लॉस को फेस ना करे, लेकिन फिर भी ये हमें प्रूव्ड होता है कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसे हम फॉल्स एनालॉजी बोलते हैं। तो हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए फ्रेंड्स ऑन द सीक्वेंस और द कॉजेज एंड इफेक्ट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए सपोज कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिड्यूस करे टैक्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेट द कंपनी, तो इससे क्या होगा, ये रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयड तो होगा लेकिन एक राइज होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि टैक्स रिडक्शन जो है वो लीड करता है इकोनॉमिक को रिकवर होने में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है कि वाई टीच इकोनॉमिक्स करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स इन इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ाया जाता है इसको पर्टिकुलर स्कूल में। देखिए इंडियन जो है वो वोट करते हैं एट द एज ऑफ 18 जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th क्लास। तो हर इंडियन सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी इकोनॉमिक लाइफ और उसके जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश करे। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया जो है काफ़ी ट्रेमेंडस चेंज में गया है इन द इकोनॉमिक फ्रंट या फिर इकोनॉमिक जो फील्ड है उसमें। तो बोथ जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले चुकी है टू सेटअप लार्ज जो इंडस्ट्रीज़ है इसके रिगार्डिंग, बिल्ड किए हैं काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रन किए हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे कि रेलवेज हो गया एंड एयरवेज हो गया, बस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो गया और काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर्स को भी बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन और इंश्योर किया है देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो 1990s में ये अप्रोच जो थी वो काफ़ी चेंज्ड हो गई थी, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया था टू एस्टेब्लिश लार्ज स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने बिगन किया विद्रॉ करना फ्रॉम मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी प्राइवेटाइज किया गया। इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम है प्राइवेट प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस इन द वर्ल्ड। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो पहले मार्केट में सोल्ड नहीं हुआ करती थी लेकिन आज कल वो मार्केट में एक सर्विस की तरह यूज़र हो रही है। सबसे बेसिक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पहले ड्रिंकिंग वाटर को सोल्ड नहीं किया जाता था बट आज बिलियन ऑफ रुपीज़ का एक बिजनेस है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि NCF 2005 काफ़ी सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स लेकर आया है इन द क्लास ऑफ 9th एंड 10th। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स को इनेबल करना टू ट्रेस द चेन ऑफ एक्टिविटीज जिसमें ह्यूमन बींग्स को इन्वॉल्व किया जाता है टू मेक अ लाइविंग। नेक्स्ट है टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द नॉर्मेटिव नेचर क्या होता है इकोनॉमिक्स का, इन सबसे बच्चों को अवेयर कराना और उसका जो रोल है इकोनॉमिक पॉलिसीज में और हमारी लाइफ में, तो सब इंट्रोड्यूस बच्चों को कराना चाहिए। नेक्स्ट जो है टू इनेबल करना स्टूडेंट्स को टू नो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन बी क्या हो सकती हैं एंड शुड बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे उसको लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू इक्विप द स्टूडेंट्स इन एक्वायरिंग एनालिटिकल स्किल्स एंड डेवलप करना उनके पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सेंसिटाइज करना स्टूडेंट्स को फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव। तो ये सारे फ्रेंड्स 9th और 10th की बुक में दिए गए हैं। उसके बाद जो है 11th और 12th में देखिए क्या एम दिए गए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। सबसे पहला है टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलप करना इकोनॉमिक रीजनिंग को जिसको वो कैन अप्लाई इन देयर डे टू डे लाइफ एज अ सिटीजन, वर्कर्स और कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है हेल्प करना स्टूडेंट्स को टू रियलाइज देयर रोल इन नेशन बिल्डिंग और सेंसिटाइज करना उनको इकोनॉमिक इश्यूज जो भी हमारे नेशन में आजकल फेसेस हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इक्विप करना स्टूडेंट्स को विद द बेसिक टूल ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज इकोनॉमिक इश्यूज। लास्ट टू डेवलप करना अंडरस्टैंडिंग सो दैट दे कैन प्रेजेंट मोर देन वन व्यू ऑन एनी इकोनॉमिक इश्यूज एंड आर्ग्यू लॉजिकली विद रीजनिंग। फ्रेंड्स आगे देखिए काफ़ी सारे इंटरनेशनल हमारे जो बोर्ड्स हैं उन्होंने इकोनॉमिक कोर्स हमारे इंडियन स्कूल्स में दिए हैं, तो उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हायर सेकेंडरी स्टेज पर भी फॉलोअप किए जाते हैं। एनकरेज करना सिस्टमेटिक और क्रिटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस और उनका बिहेवियर, फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट एंड द इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है डेवलप करना कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई, एनालाइज करना क्रिटिकली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड इवेल्यूएट करना जो जो थ्योरीज, कॉन्सेप्ट और आर्ग्यूमेंट्स हैं अबाउट द नेचर और एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। नेक्स्ट टू इनेबल करना स्टूडेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, एनालाइज करने के लिए किसी भी डेटा को जो हमारी सोसाइटी में यूज़ हो रहा है उनका हाइपोथेसिस बनाना एंड इंटरप्रेट करना कॉम्प्लेक्स डेटा और सोर्स मटेरियल को। नेक्स्ट है प्रमोट करना अप्रिसिएशन ऑफ द वे लर्निंग जो है रेलिवेंट हो टू बोथ द कल्चर इन विच स्टूडेंट जो लीव कर रहा है और कल्चर जो उसकी सोसाइटी का है या अदर सोसाइटी का है। नेक्स्ट डेवलप करना एन अवेयरनेस दैट ह्यूमन एटीट्यूड्स और बिलीफ जो है वाइडली डाइवर्स हैं, ये सबको पता है, और जो स्टडी ऑफ सोसाइटी वो रिक्वायर करती है अप्रिसिएशन ऑफ सच डाइवर्सिटी। इनेबल करना स्टूडेंट्स को टू रिकोगनाइज दैट द कंटेंट एंड मेथडोलॉजी जो इकोनॉमिक्स की है कॉन्टेस्टेबल है एंड दैट देयर स्टडी रिक्वायर्स द टॉलरेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। फ्रेंड्स जो इकोनॉमिक का सिलेबस और टेक्स्ट बुक होता है वो इन सब एम्स पर, इन सब गोल पर ही बेस्ड होता है। टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि करिकुलर मटेरियल जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ताकि वो इन गोल्स को अचीव करें, यूज़ करें। फॉर एग्जांपल जब टीचर जो टॉपिक ऐसे पढ़ा रही हो सच एज पॉवर्टी, तो हमें स्टूडेंट्स को साइंटिफिक मेथड देना है कि वो पॉवर्टी को समझ पाए और उनको क्रिटिकली एग्जामाइन कर पाए कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी लेवल्स इन द इकोनॉमी एंड टू डेवलप एम्पैथी विद द पुअर। जब भी टीचिंग प्लान डेवलप कर रहे हों तो ये ऑब्जेक्टिव जो है हमें माइंड में लेकर चलने ही चाहिए।
फ्रेंड्स, काफ़ी सारे मेथड्स और रिसोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं जिन्हें हम ब्रीफ में करने वाले हैं। आप सबको सिर्फ उनके नेम नेम ही ऑलमोस्ट बताए जाएंगे, तो आप ये सब अच्छे से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इनसे पहले वाली जो 3 वीडियो हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक अलग से लर्निंग रिसोर्सेज की वीडियो भी बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मेथड है लेक्चर मेथड, जो आप इकोनॉमिक्स को पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कशन है, डिबेट है, और PBL PBL है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी बोल सकते हो। उसके बाद आप कुछ साइमुलेशन गेम्स करा सकते हो, कॉन्सेप्ट मैप का यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्ट करा सकते हो स्टार बुक में, फील्ड विजिट करा सकते हो, डेटा को एनालिसिस और इंटरप्रेट करा सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि इकोनॉमिक्स में आजकल स्टैट्स का भी यूज़ हो रहा है, मैथ्स का भी यूज़ हो रहा है, कुछ पीयर मेथड हो गए, ग्रुप में कुछ लर्निंग हो गई, ये सब करा सकते हो। कोलैबोरेटिव मेथड यूज़ कर सकते हो, डॉक्यूमेंट एनालिसिस आप यूज़ कर सकते हो, और भी कई सारे काफ़ी सारे मेथड्स होंगे जो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप उनके लिए प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो मेनली। फ्रेंड्स, कोई भी सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल्स आप ले सकते हो, जिसमें कोई भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड बुक आ सकती है, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, वीकली कोई ऐसे बुक आती हो, तो ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, ग्राफिक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मल्टीमीडिया का आप यूज़ कर सकते हो, रेडियो का यूज़ कर सकते हो, टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, और CD DVD सिनेमा, ये सब कुछ आप यहाँ पर ला सकते हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट है सम अप, तो ये वीडियो खत्म हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और रिसोर्सेज वाली वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स, वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।